मैडम जो घटना हुई है और कल रात से पूरे कल दोपहर 1-2 बजे से आप लोग दौड़ रहे हैं, कभी थाने कभी इधर कभी के एसपी आवास, रात में 12 बजे आप एसपी आवास गए, तो ये एफआईआर नहीं लिखी जा रही, क्या अभी बात हुई है आपकी? अभी हमारी ये बात हुई है कि जब हम सर से भी मिले हैं चावला सर से, उन्होंने बोला है कि अभी इसमें थोड़ी सी कुछ कमी है, अभी जो लेटर है उसको प्रॉपर तरीके से बना के निकल मैम से मिली है और आगे कार्रवाई के जो विश्वास दिलाया है मैंने, विश्वास दिलाया। आप किस टाइम आए थे, कितने घंटे बाद आपकी मुलाकात हो पाई? हम सुबह से 10 बजे से आए हुए हैं और मुलाकात हमारी अब जाके हुई है। कल भी थे आप लोग वहाँ पे थाने में? कल भी हम पूरा दिन 1:30 बजे तक थाने में रहे, रात के 1:30 बजे तक। कल आपकी सुनवाई हुई वहाँ पे? कल सुनवाई तो कुछ नहीं, हमारे बयान में बहुत रात को 10 बजे के बाद दी है। जहाँ तक लग रहा है वहाँ पे इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि एससीएस ऑफिसर है, आईपीएस के दामाद हैं, तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इनके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर है कि अभी तक ये एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहते और अभी भी नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं अभी भी समझौता कर चाहते हैं, क्योंकि अगर इनके ऊपर प्रेशर नहीं होता तो ये भी हमें 10 बजे बुलाते, क्योंकि अगर कोई अफसर आता है तो आज भी डीजीपी साहब उठ के आते, बट ये इनको ये पता है कि आज ये एक लड़की है ना, पता नहीं इसके साथ कोई खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा, तो इसलिए आज हमारे साथ भी कोई अफसर नहीं खड़ा, तो इसलिए साथ इन्होंने आज हमें 4 घंटे फिर इसलिए बिठा के रखा। परेशानी जब कहा गया कि मीडिया हमारे साथ खड़ी है, तभी विद इन इमीडिएटली फैक्ट 2 मिनट में हमें चावला सब याद बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में ना उन्हीं की चलती है जिनके पास पावर है, तो आज भी इसी पावर का यूज किया जा रहा है, इसी पावर को यूज करके आज वो भी इस बात को दबाना चाहते हैं, तभी रात 1:30 बजे क्या आज सुबह तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बल्कि पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना पड़ेगा कि पत्रकार बंधुओं की अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।